तो हर हर गंगे जय मंगल। दोस्तों आज मैं आपको हरिद्वार के एक बहुत ही सुंदर भव्य घाट के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस घाट की खासियत है, जो पीछे हाईवे देख रहे हैं, ये दिल्ली और रुड़की से आने वाला हाईवे है, और यहाँ से आप जो ये पुल देख रहे हैं, यहाँ से जो है बस आकर अंदर जो हरिद्वार का बस स्टैंड है उधर की ओर मुड़ती है, और यहाँ से दोस्तों पुल से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ये घाट दोस्तों बसा हुआ है। इस घाट का नाम मैं अभी दिखाऊँगा आपको। घाट का दोस्तों नाम है महर्षि कश्यप घाट, और घाट की भव्यता के बारे में आपको मैं भी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एकदम स्वच्छ और सुंदर घाट, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पर अभी तो वहाँ गंगा का जो जल स्तर है थोड़ा कम है, क्योंकि हर की बॉडी पर भी जल स्तर कम कर दिया गया है। तो ये घाट एकदम स्वच्छ और सुंदर, देख लीजिए आप, वस्त्र वगैरह बदलने के लिए भी यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है। ये देखिए दोस्तों एकदम भव्य घाट, शांत एकदम सुंदर। बस अभी है कि अभी माँ गंगा का जो जल स्तर काफ़ी नीचे है, इसलिए आप जो यहाँ से स्नान नहीं कर सकते यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो महर्षि कश्यप घाट, और अभी मैं आपको यहाँ के और भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कश्यप घाट है। अरे बारे महर्षि कश्यप जी हैं, उनके भी मैं दर्शन आपको करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये महर्षि कश्यप हैं, जिनको कि जिनके नाम पर ये घाट को जो है हमारा महर्षि कश्यप घाट नाम दिया गया है। दोस्तों बहुत ही भव्य घाट है। वैसे तो ये जो घाट है दोस्तों, यहाँ से लगता आप जाएंगे तो यहाँ से ये घाट जो, जैसे मैंने आपको दिखाया बस स्टैंड का जो पुल है पुल से दोस्तों नीचे तक ये लगातार घाट है, कंटिन्यूस ये घाट है। ये घाट है दोस्तों, इसके बाद में आगे दूसरा घाट है और एक और घाट, और उस घाट के बाद में दोस्तों लास्ट में एक परशुराम घाट। और परशुराम के घाट के बाद में दोस्तों यहाँ से गोविंद घाट है, और गोविंद घाट के बाद में दोस्तों यहाँ से जो प्रेमनगर आश्रम बोलते हैं वो घाट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर घाट की पूरी श्रृंखला, और माँ गंगा के वन आपको साक्षात दर्शन कराया था हूँ। तो देखिए आप माँ गंगा के भव्य दर्शन, और मुझे आशा ही नहीं आपने माँ गंगा के जो दर्शन पाए उनका आपने लाभ उठाया होगा। हर हर गंगे जय माँ गंगे।